रेल बताएं आपने इस तरह की रेसिपी बना के खाई है घर में? नहीं नहीं खाई। आप हमें बताएं आपने इस तरह की बनाना स्वीट रेसिपी बनाई है? मेरी माँ बनाई है। बिल्कुल इसी तरह पुराने जमाने में सिखाने होंगे। जी जी जी। गहरे गहरे बादल आ रहे हैं इधर से और इधर देख रहे सूरज भी निकल रहा है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम देखने वाले खैर खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग नहीं, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी प्यासी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वो रेसिपी किस तरह बनानी है वो भी मैं आगे आपको जाकर दिखाता हूँ, लेकिन वो किस चीज़ की बनानी है वो बनानी है केलों की रेसिपी। केलों का बनाना है हलवा। माशाल्लाह वो ताकतवर भी होता है और जो बुजुर्ग बूढ़े हैं ना वो इसको खाएं उनको ताकत मिलेगी इंशाल्लाह। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता बाकी करता हूँ। मौसम की बात तो मौसम कुछ हमारे यहाँ इस तरह बना हुआ है कि दो दिन से बादल इधर से आते रहे हैं, ऊपर से होते हुए आगे चले जाते रहे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बरसे। लेकिन फिर भी जो इधर उधर बरसते रहे हैं उनकी वजह से हमारे यहाँ जो मौसम है माशाल्लाह बहुत सारा चेंज हो चुका है। तो फिलहाल जाना है सिटी, सिटी से कुछ सामान लेके आना है उस रेसिपी के लिए। तो मैं वो पहले सामान लेके आ जाता हूँ और फिर वापस आके आपके साथ सारी रेसिपी शेयर करूँगा और सामान भी शेयर करूँगा। लेकिन चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। अच्छा, तो जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है। ये रेसिपी मैंने जब छोटा होता था ना तो मेरी नानी अम्मा तैयार करती थी, क्योंकि वो ना बुजुर्ग थी तो वो इस तरह से बना के तो नरम खुराक बन जाती थी, हलवा बन जाता था और माशाल्लाह उसका जायका भी बहुत अच्छा बनता था। दूसरी बात है कि वो ताकतवर भी होता था। तो ये रेसिपी मेरी नानी बनाती थी तो मैं उस वक्त देखता था कि मेरी नानी किस तरह बनाती थी। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं ये रेसिपी खुद भी बनाता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता हूँ और आपने भी इस तरह की रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करना है। तो भाई शहर से मैं वापस आ चुका हूँ और धूप भी माशाल्लाह इधर देखे कड़ाकेदार निकली है, सूरज देखे फुल उरूज के साथ निकला हुआ है। जी तो भाई इधर सारा सामान मैं शहर से लेके आ चुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ आज की भाई बनाना स्वीट रेसिपी, माशाल्लाह जबरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। आपने भी घर में ट्राई करनी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी है। ये रेसिपी किन किन चीज़ों से बननी है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इधर हमारे पास भाई केले पड़े हैं वो मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन हमने केले भाई डालने हैं 8 अदद। और हमारे पास इधर दूध पड़ा है, ये तकरीबन 2 किलो दूध है और हमारे पास घी भी पड़ा है, चीनी भी। और उसके बाद खुश्क मेवाजात में हमारे पास है गिरी, सौगी, बादामों की गुलियाँ और हैं जी अखरोटों की गिरी, और हमारे पास सब्ज़ इलायची भी पड़ी है और हमारे पास येलो रंग भी पड़ा है। तो इन तमाम चीज़ों से आज की ये रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं भाई ये रेसिपी किस तरह तैयार करनी है। इस रेसिपी को तैयार करने में मेरी बेगम जो है वो मेरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि ये सारा काम वही करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस किस तरह करना है। तो आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जो बूढ़े हैं, जवान हैं, छोटे हैं, बड़े सब खाएं। अच्छा जी, तो सबसे पहले भाई 8 अदद केले जो है इनको छील लेना है। छील कर ये हमारे पास ग्राइंडर मशीन पड़ी है तो इसमें डाल लेना है और 1 गिलास दूध का भी डाल लेना है इसी में। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हैं हमारे पास 8 अदद केले, इनको ऊपर से छील लेना है, छील के इस ग्राइंडर मशीन में डाल देना है। इसी तरह भाई सारे केले छील लेने हैं और इसके छोटे छोटे पीस करके फिर 1 गिलास दूध का इसी में डाल लेना है और दूध डाल के फिर इसको ग्राइंड कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद आगे। तो भाई हमने 8 केलों को भी इस तरह काट दिया, छोटे छोटे पीस कर लिए। अब तकरीबन 1 गिलास इसमें दूध डालना है ताकि वो ग्राइंड हो जाए और अब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इस तरह कुछ कर लेना है। तो अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हम इधर आ चुके हैं अंदर और ग्राइंडर मशीन को अब करते हैं ऑन और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये इसी तरह ग्राइंड करना जिस तरह हम जूस बनाते हैं, लेकिन इसमें कोई चीज़ नहीं डालते, सिर्फ दूध डाला है और केले डाले हैं। इसको ग्राइंड कर दिया, जो केले हमने डाले थे और दूध डाला था उसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब इस तरह जिस तरह जूस बनता है इस तरह मिक्सर बन चुका, लेकिन इसमें कोई चीज़ हमने नहीं डाली, ना चीनी ना कुछ भी नहीं डाला। तो इसके बाद आगे क्या करना है, और उसके बाद भाई आप चूल्हे में आग जला लेनी है। तो आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो जी हमारी आग भी जल चुकी है। हाई फ्रेंडली, हमारी आग जो है ना माशाल्लाह वो जल चुकी है। आप क्या करना है आगे, हमारे पास कढ़ाई पड़ी है उसको उठा के इसको ऊपर रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रख दी मैंने। और अब क्या करना है, अब हमारे पास दूध पड़ा है, आपका जितना दिल करे उतना दूध डालें। जैसे खोया नहीं बनता, ये वही चीज़ बनने जा रही है, यानी कि दूध जितना डालोगे उसको खुश्क करना है उतनी ही ताकत बढ़ेगी। तो हमारे पास
दो किलो दूध है और उसमें हमने 8 केले डालने हैं और फिर इसको हमने गाढ़ा करना है। जिस जिस तरह रेसिपी तैयार होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, लेकिन हमारे पास भाई फिलहाल 2 किलो दूध है। सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बना भी लेता हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं जो बूढ़े हैं वो इस तरह की रेसिपी बना के खाएं, एक तो ये नरम गिजा बन जाती है जिस तरह हलवा बनता है, और दूसरी बात है कि इसमें ताकत माशा बहुत ज़्यादा होती है। तो बस आपका जितना देर करें आप दूध डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, दूध को डालते हैं कढ़ाई में। अब थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद जो हमारे पास उधर मिक्सर पड़ा है, जो हमने जूसर मशीन में तैयार किया है केलों का और दूध को मिक्स करके हमने ग्राइंड किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालते रहेंगे और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे। अच्छा, तो भाई दूध गर्म हो चुका है, अब उबलना शुरू हो चुका है, तो अब थोड़ा सा ना इसमें येलो कलर डालना है, वो इसलिए डालना है ताकि ना इसका कलर थोड़ा सा खूबसूरत बन जाए, क्योंकि ये ना वाइट वाइट ना बन जाएगा सारा हलवा। तो इसको येलो करने के लिए थोड़ा सा कलर डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालना, ये है फूड कलर, थोड़ा सा डालना है ताकि ना इसका कलर येलो येलो बन जाए। तो ये येलो कलर इसमें मिक्स कर दिया है, तो अब आगे क्या करना है, वो जो हमारे पास उधर मिक्सचर पड़ा है जो हम ग्राइंड करके लाए थे, तो वो इसमें हल करना है। अब थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें हल करते रहना है, साथ साथ चमचा भी चलाते रहना है और उसको भी डालते रहना है। ये देखें कुछ इस तरह, हाँ जी, तो वो वाला मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है माशाल्लाह। तो अब इसको साथ साथ हिलाते रहना है और नीचे आग भी जलाते रहना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो जिस जिस तरह ये गाढ़ा होता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थोड़ा सा कलर ना इसका येलो हो चुका है, क्योंकि अगर हम येलो कलर ना डालते ये सफ़ेद कलर होता नहीं था। तो ये देखें जी, खोआ हमारा गाढ़ा हो रहा है माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए तो गाढ़ा होना शुरू हो गया माशाल्लाह। बस इसी तरह साथ साथ भाई आग भी जलाते रहें और ऊपर से चम्मच भी चलाते रहें ताकि ये जो कढ़ाई ना इसके साथ लगे नहीं, जले नहीं, यानी कि ये देखें माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया। करीब 15 मिनट हो चुके हैं, कुछ इतना गाढ़ा हो चुका है हमारा दूध। तो आप इस तरह करना है कि इसमें अभी चीनी डाल देनी है और सब्ज़ इलायची जो हमारे पास पड़ी वो भी इसमें डाल देनी है। इलायची डाल दी है हमने, और हमारे पास चीनी है तकरीबन 1.5 पाव, वो भी इसमें डाल देनी है। ये लो जी, ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह हल हो जाए। ये माशाल्लाह हलवा जो है ना, मैंने बिल्कुल पहले नानी अम्मा के हाथ का बना हुआ खाया था, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मज़ीद इसको आगे खुश्क करना है। ये बनाना स्वीट रेसिपी तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें क्या लश्कारे हैं इसके, ये देखें। चलो भाई, काफ़ी टाइम लगने के बाद कुछ इस तरह का गाढ़ा हो चुका है हमारा प्यारा सा हलवा, ये देखें जी। तो आप इसमें घी डालना है, ये देखें जी इसमें घी डाल रहे हैं, कुछ इतना सारा घी डाल देना है। ऐसे ऐसे भाई हलवा रेडी होने जा रहा है माशाल्लाह, हलवा अपने लोग दिखा रहा है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। घी भी मिक्स हो चुका है इसमें, कढ़ाई जो है ना वो अभी चूल्हे पे है, ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया। अब बारी है इधर हमारे पास जो खुश्क थोड़े से मेवे जात हम लेके आए थे, इनको थोड़ा बारीक करना है। वो इस तरह के हमारे पास दौरा पड़ा है, आप ग्राइंडर में भी बारीक कर सकते हैं, ग्राइंडर तो हमारे पास भी है लेकिन हम थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं, यहीं पर काम ख़त्म करने वाले हैं। तो इनको थोड़ा सा बारीक कर रहे थे, दलदला सा कर लेते हैं, तो फिर उस हलवे में ये भी डालेंगे। तो दो रसोटे में हमने ये
गिरी जो है वो डाल दी है, तो इसको थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। फिर बादामों की गुलियाँ भी हैं, इनको भी बारीक करना है और गरी को भी काटना है। और सौगी तो वैसे भी काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही डालेंगे। अच्छा तो भाई हलवा जो है माशाल्लाह रेडी हो चुका है, इसकी लुक भी देख लें माशाल्लाह। अब फिर एंड पे हम टेस्ट भी करके आपको बताएंगे भाई हलवा कैसा बना है। तो आप जो है ना खुश्क मेवे जो हमारे पास इधर टूटे हुए पड़े हैं वो देखें माशाल्लाह। तो ये डाल रहे हैं इसमें, तो ये डाल लेते हैं भाई इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये नोटी आप भाई माशाल्लाह हलवा हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है, बस एक दो मिनट में ये तैयार हो जाएगा। दो मिनट और लगते हैं तो ये हलवा रेडी हो जाता है, फिर इसको टेस्ट भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हलवा कैसा बना माशाल्लाह। जरीद और मिश्रा भाई अपने मम्मा पापा से बात कर रहे हैं, बेबी स्कूल से आए हैं, वो उधर से फारिग हो जाते हैं ना, तो फिर इनसे बात करते हैं। जी मम्मा पापा से बात कर ली है आपने, क्या कहते हैं वो? छोटे छोटे पहाड़ हैं, वो उधर जा रहे हैं, वही जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं। उन्हें कहा नहीं है घर आ जाओ, मैं आपको याद कर रहा हूँ? हाँ, नहीं नहीं उन्हें कहा है आपने? नहीं नहीं, वैसे मिस कर रहे हो मम्मा पापा को? कितना मिस कर रहे हो? इतना सा बस? चलो ये भाई शहर इतना मिस कर रहा है। अच्छा भाई मैंने एक स्वीट रेसिपी माशाल्लाह बनाई है, बहुत प्यारी सी खूबसूरत कुर्सी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप दूध पी रहे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे, फिर मैं आपको वो देता हूँ और आपने टेस्ट करके बताना भी वो रेसिपी कैसी बनी, बताओगे ना? उसका नाम क्या? बनाना स्वीट रेसिपी। बनाना? हाँ बनाना स्वीट रेसिपी। उसमें क्या डालना है? मैं आपको दिखाता हूँ, फिर टेस्ट करके बताना है आपने। टेस्ट करके? हाँ अभी रेस्ट करो ना थोड़ी देर के बाद, ठीक है? हाँ जी, तो भाई हलवा हमारा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। इधर देखे जी माशाल्लाह इसका कलर देखें, कितना खूबसूरत कितना प्यारा बना है माशाल्लाह। और माशाल्लाह पे इसका जायका भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको इधर पत्थर में निकाल लेता हूँ, फिर लेके जाते हैं शहरी सुरेश के पास, मुंह से अभी से पानी आ रहा है, इसको टेस्ट करते हैं और आपको भी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये देखें, ये देखें कुछ हलवा इस तरह तैयार हुआ। और माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है माशाल्लाह, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। मुबशर अभी कार से नहीं आया, वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर आ चलते हैं जुरेद और शहरी के पास, उनको ये टेस्ट करवाते हैं और आपको भी बताते हैं कि ये हलवा कैसा है माशाल्लाह। इधर आ चुके हैं, अम्मा जी भी आ गई हैं और जुरेद और शहरी। शहरी सामने बैठो ना। अच्छा तो भाई जुरेद बताएं, आपने इस तरह की पहले रेसिपी बना के खाई है घर में? नहीं, नहीं खाई। आप हमें बताएं भाई, आपने इस तरह की बनाना स्वीट रेसिपी बनाई है? नहीं, मेरी माँ बनाई है। बिल्कुल इसी तरह पुराने जमाने में सिखाने होंगे। जी जी जी। तो इधर हमारे पास भाई कटोरी पड़ी है, तो इनमें डाल के दो शहरी सुरेज को और टेस्ट करते हैं। आप भी टेस्ट करें, बताएं भाई कैसा बना हलवा, काफी दिनों के बाद तैयार किया है इसको। अरे लेकर इधर शर्मा रहा है ना, तो चल बाहर ऊपर उठ 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 उठ, इधर छुप के बैठा है, चल आ जा आ जा। थक गया तू? बिस्मिल्लाह। हाँ जी बताएं। बड़ा मजेदार। अच्छा सुरेश आप बताएं। मजे का है? मजे का है। हाँ जी। फिर खाओ राज के खाओ। शहरी आप भी आ जाओ। थक गया भाई, शहरी थक गया। चलो ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ भाई आज की वीडियो हमारे व्यूअर्स को ये पसंद आई होगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी हमने तैयार की है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जुरेज अल्लाह हाफिज़।